नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी में एक वक्त था जब भू माफिया अपनी मनमानी करते थे, जब माफिया खुले घूमते थे, जब अपराधी खुले घूमते थे और लोग अंदर डर के मारे बाहर नहीं आते थे। और इन सब में अगर सबसे बड़ा मुजरिम कोई था तो वो थी सरकार। राज्य सरकार बस हाथों में हाथ रखकर बैठी हुई थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से यूपी की मानो दशा ही पलट गई है। आज लोग खुले आजाद है अपराधी जेल के अंदर। इन लोगों की न जाने कितने करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। अब ऐसा ही एक मामला शराब माफिया के आलिशान घर पर चले बुलडोजर का है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में योगी सरकार की माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और अवैध कारोबार के सहारे साम्राज्य खड़ा करने वालों पर सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। इसी के तहत फतेहपुर जिले में शराब माफिया मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह के आलिशान मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बेशकीमती सरकारी जमीन पर करोड़ों की लागत से शराब माफिया के बने आलिशान मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामला मलवा थाना क्षेत्र के मीरमऊ गांव का है। यहां बेशकीमती सरकारी जमीन पर शराब माफिया मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह ने अवैध कब्जा कर आलिशान भवन का निर्माण कराया था। एसडीएम बिंदकी अवधेश निगम ने बताया कि एंटी भू माफिया अभियान के तहत सोमवार को बिंदकी तहसील अंतर्गत मलवा थाना क्षेत्र के मीरमऊ गांव में शराब माफिया मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। एसडीएम के मुताबिक शराब माफिया मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह ने खलियान नवीन परती व ऊसर के 2430 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आलिशान भवन का निर्माण किया था, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए से ज्यादा है। बेशकीमती सरकारी जमीन पर हुए इन अवैध निर्माण को आज पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया है। एसडीएम अवधेश निगम का दावा है कि शराब माफिया के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। पूर्व में इस बार दो बार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ये मलवा थाने का हिस्ट्री शीटर भी रहा था। शिक्षा माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, अरे भैया माफिया कोई भी हो, सीएम योगी की नजर से, सीएम योगी के बुलडोजर से कोई अवैध प्रॉपर्टी नहीं बचने वाली है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।